मैं साधुवाद देना चाहता हूं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जिन्होंने देखिए इस प्रकार का विषय रखकर युवा पीढ़ी को, आजकल ये भी एक प्रॉब्लम हो गई ना, पढ़ने का तो वक्त ही नहीं किसी के पास, सब मतलब तो YouTube भी कहां रील्स चलती है ना, तो इतना विराट जो दर्शन है उसको भी थोड़ा नटखट में तो चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक मैं फैक्ट और बोल रहा हूं, इसलिए भी चीजों का महत्व क्या है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब माओ चेयरमैन माओ चाइना थे, जब उनकी जवाहरलाल नेहरू जी से पहली भेंट हुई तो माओ ने उनसे कहा, यू नो व्हाट इज द बिलीफ इन अवर एंशियंट कंट्री, इन एंशियंट बिलीफ इन अवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री, यानी प्राचीन काल के चीन की मान्यता क्या है भारत के बारे में। तो नेहरू जी ने पूछा क्या है, तो माओ ने कहा, इन अवर कंट्री मीन्स इन चाइना द एंशियंट बिलीफ इज इफ समबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द साइकल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ही हैज टू बी बोर्न इन इंडिया। आप सोचिए ये है सनातन। और अगर किसी को मेरी बात पर शक हो तो जाके चेक कर ले, एंशियंट चाइनीज में इंडिया का नाम है टियानजाओ, TIANZHOU। अगर आप जाके नेट पे सर्च, कोई तो विकिपीडिया पर कब्जा कर लिया है ना थोड़ा बहुत, सो बाएं हाथ वाले जाना है तो टियानजाओ आप चेक करेंगे तो लिखा जाएगा दिस इज एन एंशियंट नेम यूज बाय चाइनीज अबाउट इंडियंस बट दे वर हैविंग फाइट टाइम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। आप जाके चेक करिएगा, चाइनीज की डिक्शनरी में जाइएगा, TIAN का मीनिंग देखिएगा और फिर चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में जाओ का मीनिंग देखिएगा। जाओ वहां वैसे होता है जैसे अपने आप पुर होता है, नागपुर जयपुर कानपुर यानी स्थान, और टियान का मतलब होता है हेवन स्वर्ग, टियानजाओ मीन्स प्लेस ऑफ द हेवन। तो मुझे लगता है प्राचीन काल से लेके आज तक के समय में अब युवा पीढ़ी, अंत में मैं कहना चाहूंगा ये इसलिए पुस्तक की बहुत आवश्यकता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल है, तो अमृत के अनुभूत से पहले विश्व निकलना पड़ेगा। और अमृत काल 25 वर्ष का है जो आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत का आधार बनाएगा, यानी युवा पीढ़ी जो इस समय युवा है वही तो 25 साल बाद महत्वपूर्ण स्थानों पर होंगे। तो उसके लिए यह आवश्यक है कि उसका मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि यह दुनिया का सत्य है कि अब तो हम ऐसे बिगेस्ट कंट्री है ना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी आर ऑल्सो द यंगेस्ट कंट्री, परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। वी आर द यंगेस्ट कंट्री एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। और संयोग से बाबा बागेश्वर धाम रिप्रेजेंट्स द यंगेस्ट इंडिया एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बोथ, यानी हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति है उसके प्रतिनिधि है और युवा है। और जो युवा होता है यदि वो धर्म के क्षेत्र में आगे हो, अंत में एक बात कह दूं, कुमार संभव में उल्लेख है कि पार्वती जी 9 वर्ष की आयु की जब जाती थी भगवान की आराधना करने तो बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं, तो भगवान पूछते हैं कि ये 9 वर्ष की कन्या में ऐसा क्या है जिसके दर्शन करने के लिए वो ऋषि खड़े हैं जो वर्षों वर्ष तपस्या करते हैं, तो उसका उत्तर देते हैं, यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते, जो धर्म में बढ़े हुए होते हैं उनके में आयु का विचार नहीं किया जा सकता। और अब भारत तो वो है जो धर्म में भी बड़ा है और आयु में भी आगे आने वाला है। अंत में सिर्फ कहूंगा कि हम वो हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 1000 साल आगे का, जिसके लिए स्वर्णिम भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है और गौरवशाली अतीत है। हम 1000 साल आगे का भारत भी सोचते हैं और 10000 साल पीछे का भारत भी सोचते हैं। तो इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं, मुझे लगता है ये पुस्तक उस उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, गौरवशाली था भूत भविष्यत भी महान है, भूत का गौरवशाली था भूत भविष्यत भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। सुधांशु भैया ने जो बोला ये भी वायरल होने वाला।